चलिए बुलेटिन में बढ़ते आएंगे। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम योगी ने ग्रहण किया प्रसाद, आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर किया भोजन, जनप्रतिनिधियों ने भी किया भोजन। बड़ी खबर आपको बता रहे, गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है। इस दौरान कई योजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे हैं और बड़ी सौगात गोरखपुर को मिलने वाली है। और इस दौरान उन्होंने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, वो तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस दौरान वहां पर मौजूद है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सीएम योगी ने प्रसाद ग्रहण किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके साथ में अन्य जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी प्रसाद ग्रहण किया है, भोजन किया है। विनय हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीन पर बैठकर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन ग्रहण कर रहे हैं। उनके साथ में और भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर में गोरखनाथ मंदिर संकर में पहुंचे और यहाँ जो है कल वो एकादशी का व्रत रखे हुए थे और आज एकादशी के व्रत का पारण उन्होंने आंवले के पेड़ के नीचे जो है बैठकर भोजन किया, जिसमें उसमें साथ में सांसद रवि किशन शुक्ल और महापौर मंगल श्रीवास्तव के साथ और अन्य भी मंदिर के जो लोग थे वो साथ उनके साथ भोजन करते थे। कारण मान्यता है कि आंवला के पेड़ के नीचे माँ धरती का निवास होता है, ये अमृत का स्रोत होता है, क्योंकि आंवला वृक्ष के नीचे भोजन पकाने और खाने से अमृतमय हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी सर हर वर्ष के बाद एक बार वर्ष के पहुंचे वाले का व्रत का पारण उन्होंने आंवले के पेड़ के नीचे किया था। बिल्कुल, तो अपने अनूठे अंदाज के लिए मुख्यमंत्री जाने भी जाते हैं मैंने, और ये उनका निराला अंदाज भी नजर आया है। अन्य लोग भी उनके साथ में मौजूद हैं, हम देख पा रहे सांसद रवि किशन भी नजर आ रहे हैं। बता दें जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो उसके पहले वो दर्शन पूजन करते हैं और आज उन्होंने वहां पहुंचे तो वहां कल एकादशी का व्रत रखे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने एकादशी व्रत का पारण जो है पूजन के बाद किया, एक साथ सरसा भोजन सबके साथ बैठ के भोजन किया। काफी लोग मौजूद साथ जो है ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिना तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो सीएम योगी ने प्रसाद ग्रहण किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है।